पिक्सल प्लस ईवाई 3.10 का एक लेटेस्ट अपडेट हमारे रेडमी के नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स के लिए आ चुका है, जिसे फिलहाल मैं मॉर्निंग से यूज कर रहा हूँ। और क्या कुछ यहाँ पे हमें नया देखने को मिलता है और कैसा है परफॉर्मेंस प्लस कस्टमाइजेशन, उसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, क्योंकि इस बार काफी कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया है और काफी कुछ आपको यहाँ पे नया देखने को मिलता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करें। मैंने कस्टम रूम के लिए सेपरेट चैनल कर दिया है और बाकी अदर के लिए अलग से मेरा मेन चैनल है, तो दोनों को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले बात करें एंड्रॉयड वर्जन की, तो आपको यहाँ पे 11 देखने को मिल जाता है। 12 पे एक दो कस्टम रूम के अपडेट आए हैं जिनका मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है टेक ऑफिस के ऊपर। यहाँ पे वर्जन 3.10 देखने को मिलता है, डिवाइस का कोड नेम देखने को मिलता है, ये एक ऑफिशियल अपडेट है और जिन्होंने इसे मेंटेन किया है उनका नेम आपको देखने को मिलता है। 1 अक्टूबर का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको यहाँ पे दिखाई देता है और 1 अगस्त का यहाँ पे गूगल प्ले आपको अपडेट दिखाई देता है। यहाँ पे एरो का है जो कर्नल यूज किया गया है। बिल्ड डेट आपको अक्टूबर 11 का देखने को मिलता है और सिलेनक्स आपको इन्फोर्सिंग दिखाई देता है, जो कि काफी हद तक सही है। सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे डीसी डीमिंग, जो कि आपके काफी काम आने वाला है, और ट्रिक साउंड इनहेंसर देखने को मिलता है जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप से आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि 60, 120, 60 और 120 देखने को मिलता है। तो जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है प्लेबैक कंट्रोल्स का, क्यूब का, प्लेबैक का टाइमिंग, यहाँ पे पावर मेनू और साथ साथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट और यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन बार, जहाँ पे आपको हैप्टिक के भी ऑप्शन दिए गए हैं। और आप नोटिस करोगे कि इसके जो नेम है वो काफ़ी ज़्यादा एज के पास चले गए हैं, जबकि पहले हल्का मिडिल में था, तो इसमें हल्का सा आपको चेंज देखने को मिलता है पहले के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पे आपको फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, एप्स लॉक वगैरह देखने को मिल जाता है और ये सभी चीज़ें अच्छे से काम कर रही है, तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला इन्हें यूज करने के लिए। साउंड के प्रोफाइल में आपको देखने को मिलते हैं वही सारे कस्टमाइजेशन वगैरह, जिसमें कुछ खास नया नहीं है, पहले जैसे आपको सिमिलर दिखाई देता है। और ये जो स्टाइल दिया गया है ना, ये मुझे पसंद आया, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, वॉल्यूम स्लाइडर वगैरह का। डिस्प्ले के अंदर आपको लाइव डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे रीडिंग मोड वर्किंग है और आपका जो कलर प्रोफाइल है ये भी वर्किंग देखने को मिलता है। डार्क मोड भी आप यूज कर सकते हो और इसका प्रीव्यू आप देख सकते हो किस तरीके से आपको दिखाई देता है, जहाँ पे सेकंड भी मेंटेन किया गया है। यहाँ पे आइकन ट्यूनर आपको देखने को मिल जाता है, बाकी कलर का ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। लॉक स्क्रीन पे कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पे आप ऑलवेज ऑन वगैरह भी यूज कर पाओगे अगर आप ऑलवेज ऑन यूज करते हो तो। और यहाँ पे क्लॉक के फॉर्मेट कई सारे दिए गए हैं जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं, लेकिन जो भी आपको सही लगता है ना वो आप यूज करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी डबल टैप टू बैक वगैरह आपको देखने को मिलता है, टाइम आउट जो कि आप सेट कर सकते हो जितना आपको रखना है, इनेबल ब्लर्स वगैरह भी कर सकते हो। और रही बात डबल टैप ऑलवेज ऑन के ऊपर काम करते हैं नहीं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे AOD काम कर रहा है हमारे है जो डबल टैप का, जो कि अच्छे तरीके से वर्किंग है। बाकी अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको मिलता है बैटरी, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 2 डेज कंप्लीट हो चुका है चार्ज किए हुए और इसे इंस्टॉल किए हुए, जिसमें से यूजेज आपको देखने को मिल रहा है कितना कैपेसिटी वगैरह है, स्मार्ट चार्जिंग, यहाँ पे स्मार्ट कट ऑफ वगैरह और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जितना भी बैटरी बैकअप है वो मुझे काफ़ी हद तक सही लगा है और फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट भी करता है। अगर हम बाय डिफॉल्ट लॉन्चर की बात करें तो यहाँ पे पिक्सल का आपको लॉन्चर देखने को मिलता है। मैं हर बार आपको कहता हूँ कि किसी भी कस्टम रूम के अंदर अगर हमें ANX कैमरा यानी MIUI का पोर्ट जो कैमरा है उसका सपोर्ट मिल जाए तो कस्टम रूम को यूज करने का मजा ही अलग आता है। और यहाँ पे सारे फीचर्स आपको वर्किंग देखने को मिलते हैं, इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, आप जो चाहो ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो। और स्टार्टिंग पे आपका जो 64 है ना वो वर्किंग नहीं रहेगा, तो आप कुछ देर यूज करो, रिबूट वगैरह करो, उसके बाद आपका जो 64 काम करने लग जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और अगर आप इसे नोट 10 प्रो मैक्स के अंदर डालते हो तो वहाँ पे 100 जो है वो भी आपका वर्किंग रहेगा, तो यहाँ पे कैमरे में मुझे कोई भी शिकायत नहीं लगी है, अच्छे तरीके से काम करता है। बाकी आई करो आते इसके कस्टमाइजेशन की ओर, यहाँ पे सारे मेंटेनर के नेम देखने को मिलते हैं अलग अलग डिवाइसेज के लिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ट्रैफिक इंडक्टर, डबल टैप स्लीप, 4G के आइकन, बैटरी इंडक्टर वगैरह और क्लॉक के ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे लेफ्ट राइट वगैरह स्विच कर सकते हो। रो एंड कॉलम आप मेंटेन कर सकते हो, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर रखा है, जो कि आई थिंक आपको पसंद आए या फिर ना भी आए। यहाँ पे डेली डेटा यूजेज वगैरह भी आपको देखने को मिलता है और इसे आप कैसा रखना चाहते हो, प्रीव्यू वगैरह वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको लॉक के ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, डबल टैप स्लीप, लॉक आइकन, म्यूजिक विजुलाइजर और आर्ट का ऑप्शन मिलता है। वॉल्यूम स्लाइडर कैसा चाहिए कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, वो आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। और बाकी यहाँ पे ऐसे तो मुझे रियलमी MIUI का पसंद आता है,
आप कॉलिंग डिस्कनेक्टिंग और वेटिंग के लिए वाइब्रेट इनेबल कर सकते हो। पावर मेनू के अंदर एडवांस का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम लेफ्ट एंड राइट। और ये जो गेमिंग मोड है ना, ये मुझे कुछ खास एडवांटेज नहीं लगा, नॉर्मल तरीके से काम करता है तो ओके ओके है। हैंड्सअप का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। रही बात गेमिंग मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको एफ्लो का तो सपोर्ट मिलता ही मिलता है, जो कि अच्छे से काम कर रहा है। और साथ साथ गेमिंग मोड भी सिर्फ ऑन हो जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलता, बस यहाँ पे टाइप करो ये डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको गेमिंग मोड दिखाई देता है। लेकिन रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है और गेमिंग, तो चलिए उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो ये है हमारा अनटूटू का रिजल्ट, जो कि काफी अच्छा खासा मैं कहूंगा, जिसमें बैटरी ड्रॉप भी काफी कम हुआ है और हीटिंग भी नॉर्मल ओवरऑल ओके है। बाकी यहाँ पे ये सीपीयू टोटल, जो कि हमें 85 का रिजल्ट देखने को मिला, जहाँ पे मैक्स एवरेज और मिनिमम आप देख सकते हो, तो ये भी मुझे काफी ज्यादा सही लगा है। बाकी ये है सिंगल कोर और मल्टी कोर रिजल्ट, जो कि ये भी ओके है, इसमें कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलता। और स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप, जो कि मैंने 92 पे लेफ्ट कर दिया था, और जब मैं मॉर्निंग में चेक करता हूँ तो ये 91 देखने को मिलता है। और वाईफाई भाई पूरे नाइट में है जो कनेक्टेड रहा था, फिर भी 1% का बैटरी ड्रॉप है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा भाई बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है, इसमें आपको कोई भी निराशा नहीं होने वाली। रही बात यहाँ पे कैमरा, तो मैंने हर एक कैमरे को चेक किया है, हर एक एंगल से तो काम कर रहा है, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे मैंने गेमिंग भी किया है, और गेमिंग के अंदर भाई मुझे स्टार्टिंग पे काफ़ी लैग देखने को मिल रहा था, बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया। बट जब मैं सेकेंड राउंड प्ले करता हूँ ना, तो गेमिंग मुझे काफ़ी हद तक सही देखने को मिला और पहले से इम्प्रूव देखने को मिला। तो स्टार्टिंग भी अगर आप इसे फ्लैश करते हो और आपको गेमिंग अच्छा नहीं लगता, तो ये मत समझना कि भाई बेकार है, चलो हटा दो, आप थोड़ा सा वेट कर लो, एक दो बार रिबूट करो, दोबारा ट्राई करो, थोड़ा टाइम के बाद एडजस्ट हो जाता है और आपको अच्छा खासा यहाँ पे गेमिंग के अंदर आउटपुट देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे इस रोम को, क्योंकि ये जो रोम है आपको पिक्सल वाले सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है और एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप एक पिक्सल एक्सपीरियंस के लवर्स हो ना, तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पसंद आने वाला है। बाकी आप सेटिंग में भी देख सकते हो, तो यहाँ पे हेलो ऑनर देखने को मिलता है ऊपर की ओर। और इसके अगर कमी की बात करें कि रियल में आखिर कमी क्या देखने को मिलता है, तो कमी के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे लगा है इशू, वो है हमारे ब्राइटनेस का। ये अगर आप मैनुअल पे रखते हो ना, तो ऑटोमेटिक कुछ देर के बाद डाउन हो जाता है और फिर आपको लो से हाई करना पड़ेगा इसके ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं कुछ देर से फोन को पिक कर रखा हूँ, कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो मेरा ब्राइटनेस है ये मैनुअल पे सेट है, लेकिन देखते हैं कितने देर में ये अपने ब्राइटनेस को ड्रॉप करता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है मुझे ब्राइटनेस को यूज करने में। तो अभी देखते हैं ये होता है या फिर नहीं होता, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इस बार काफ़ी टाइम लगा रहा है, ये ड्रॉप नहीं हो रहा। आप चेक करना कि क्या आपका यहाँ पे ये ड्रॉप हुआ था या नहीं। और यहाँ पे आप देखोगे जब भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो बीच में एक गोल सा आपको आइकन देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा खासा लगता है। और यहाँ पे अगर हम इसे ऑटो पे रखते हैं, तो ऑटो तो सही से काम करता है, लेकिन मुझे मैनुअल के अंदर थोड़ा सा कमी लगा है, जो कि अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। मे बी है जो भाई मेरी बेइज्जती करना चाहता है, इसलिए शो नहीं कर रहा। तो आप चेक कर लेना कि आपका ब्राइटनेस स्लाइडर अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं। बस वीडियो यहीं तक था, आपको पसंद आया तो लाइक कर लेना, और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और मेरे टेक ऑफिस और एंड्रॉइड स्टफ्स दोनों को आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको सेकंड चैनल पर सिर्फ कस्टम रोम देखने को मिलेगा और मेन चैनल पर आपको बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी डिवाइस से रिलेटेड और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब भाई ये ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, जैसे कि गेमिंग में दिक्कत किया था, अब यहाँ पे ब्राइटनेस भी ठीक हो गया, तो सब कुछ थोड़े टाइम के बाद ठीक हो रहा है और मेरी बेइज्जती करवा रहा है, और कुछ भाई नहीं है यहाँ पे।